विदिशा जिले के गंज बासोदा में भगवान जगदीश स्वामी के नवीन विग्रह को लेने के लिए उनके भक्त गाजे बाजे के साथ पूरी उड़ीसा के लिए शुक्रवार को 1200 किलोमीटर की यात्रा पर आस्था और विश्वास का संकल्प लेकर निकल पड़े हैं। करीब 50 दिन की पद यात्रा के बाद भगवान जगदीश स्वामी बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर में उनका मंगल प्रवेश होगा। पद यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का शहर के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाएं पहनाते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सभी संतों महंतों और पद यात्रियों का विधायक हरिसिंह रघुवंशी ने हार फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और यात्रा की शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि बेतवा घाट स्थित साकेतवासी सिद्ध संत बाबा जगन्नाथ महाराज की तपोभूमि नौलखी आश्रम पर अगले वर्ष 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2024 में करीब 90 साल बाद विराट धार्मिक महोत्सव सम्पन्न होने वाला है, जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई है। पद यात्रा में खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास जी के अलावा संत नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के करीब 150 श्रद्धालु साथ जा रहे हैं। नगर में जगह जगह रास्ते में पद यात्रियों का नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।